हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज। और यार, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप कंसल्टेंसी के अंदर, ठीक है, कैसे अपना करियर बना सकते हो, यानी कि आप एज अ कंसल्टेंट कैसे बन सकते हो अपने करियर के अंदर। आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। मैं आपको जॉब्स के बारे में बताऊंगा, पोजिशन के बारे में बताऊंगा, सैलरी के बारे में बताऊंगा, टॉप कंपनीज के बारे में बताऊंगा। सो माय नेम इज अनुभव गुप्ता, लेट्स। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू आर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम का पेज है studybuzz_education। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे बहुत रेलिवेंट कंटेंट पोस्ट करते रहते हैं। उसके अलावा आप हमारे साथ फेसबुक पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बज करके, और यहाँ पे 24/7 डाउट सॉल्विंग होती है। तो आप अपने डाउट क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, और डाउट फैकल्टीज और आपकी जो भी क्वेरी है जल्दी से जल्दी इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स प्लान कर रहे हो, तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके आपको कंप्लीट डिटेल पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। इसके अलावा हर पेन ड्राइव के साथ आता है एक पोर्टल, जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे बेसिक, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक के, जिसमें आपको सेक्शनल मॉक्स, LRDI, वर्बल और क्वांट्स के मिल जाएंगे, वीकली GK के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये सारे आपको फुल लेंथ मॉक्स भी मिल जाएंगे। इसके साथ हमने एक नया फीचर भी इनकॉर्पोरेट किया, दैट इज स्टडी प्लानर का, जिसके अंदर आप अपना एग्जाम की एक डेट फिक्स कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप डेली गोल्स अचीव कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, और आपको बेसिकली ये फीडबैक मिलता रहेगा कि आप कैसा कर रहे हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं सबसे पहले, तो यार बहुत सारे ना मिथ्स एसोसिएटेड है हमारे कंसल्टेंसी को लेके, कि कंसल्टेंसी के अंदर ऐसा होता है, कंसल्टेंसी के अंदर वैसा होता है, क्योंकि अभी तक किसी के पास भी कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि एग्जैक्टली कंसल्टेंसी के अंदर क्या होता है। सो आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ हार्ड कोर फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कंसल्टेंसी क्या होती है और कंसल्टेंसी के अंदर क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले बताऊं कि यार कंसल्टेंसी के सबसे मेन फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि जो भी कंपनी, अगर कंसल्टेंट कंपनी है, तो उसके बेसिकली मेन फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अ क्लाइंट, यानी कि आपके पास जो भी क्लाइंट होंगे या आपकी जितनी भी क्लाइंटेल होगी, वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, ठीक है, और आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है और अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि बेसिकली क्या कर सकते हैं वो। जैसे आपको आपको डायग्नोस करना है उनकी प्रॉब्लम्स का, और उसके ऊपर रिकमेंडेशन देनी है उन प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको उनको असिस्ट करना है इंप्लीमेंट करने में, जो आपने उनको सॉल्यूशंस दिए हैं वो कैसे वो उनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपको असिस्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने क्लाइंट को आपको टीच करना है कि कैसे वो रिजॉल्व कर सकते हैं सिमिलर प्रॉब्लम्स को इन फ्यूचर के अंदर। उसके अलावा आपको अपने क्लाइंट्स को हेल्प करना होता है कैसे परमानेंटली इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक बहुत कॉमन और एक जनरल एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है कि यार आज की डेट में जो रिलायंस है, विच इज लेड बाय अनिल अंबानी, ठीक है, अनिल अंबानी का जो ग्रुप है, जिसका नाम ADAG भी था, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, ठीक है, इट इज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। अभी इनकी मार्केट वैल्यू बिल्कुल डाउन हो चुकी है, बहुत ज्यादा इनके ऊपर लीगल केसेस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। सो इनको भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स की हेल्प लेनी पड़ रही है, या बहुत सारी कंसल्टेंसी कंपनीज को रेफर करना पड़ रहा है कि ये इस सिचुएशन के अंदर जो ये फंस गए हैं, अपने बिजनेस को ये यहां से निकाल के फिर इसको ग्रोथ पे कैसे लेके जा सकते हैं। तो वो ही सारा काम कंसल्टेंट का होगा कि इस टर्बुलेंट टाइम के अंदर कैसे अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप इस प्रॉब्लम से निकल के अपनी लीगल, फाइनेंशियल, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उससे निकल के दोबारा राइज कर। अगर फ्रेंड्स मैं कंसल्टेंट की पोजीशंस के बारे में बात करूं, तो कंसल्टेंट की जो पोजीशंस होती है फ्रेंड्स, वैसे तो ये कंपनी टू कंपनी बहुत वेरी कर सकता है। आप कौन सी कंपनी में हो, आप एक बहुत बड़ी MNC कंपनी के अंदर हो, या आप एक नए स्टार्टअप के अंदर हो, आप जिस भी कंपनी के अंदर हो, उसके अकॉर्डिंग वैसे तो पोजीशंस बहुत ज्यादा मैटर कर सकती है। लेकिन अगर मैं किसी भी एक जनरल कंपनी का अगर एग्जांपल लूं, तो जो जनरल एंट्री होती है वो एसोसिएट या एनालिस्ट लेवल से होती है। फ्रेंड्स, ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी कर सकता है,
कोई कंपनीज इस पोजीशन को एनालिस्ट कहती है और इस पोजीशन को एसोसिएट कहती है, और जनरली वैसे जो होता है जो एंट्री या बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन होती है उसको एसोसिएट कहते हैं, फिर एनालिस्ट होता है जिसको हम सीनियर एनालिस्ट भी कहते हैं, फिर मैनेजर होता है या जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजर भी कहते हैं, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या ग्रुप हेड होते हैं या पार्टनर पोजीशन होती है, ये सारी पोजीशंस होती है। तो फ्रेंड्स ये कैसे होता है, यहां पे ये दो तो एंट्री पोजीशंस होती हैं, लेकिन ये वाली जो भी पोजीशंस होती हैं ये विद एक्सपीरियंस ही आती है। जब आप अपनी जॉब के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, अपने करियर के अंदर जब आप राइज करते हो, तब आप मैनेजर, लीडर, ग्रुप हेड इन सब पोजीशंस के ऊपर पहुंचते हो। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि एंट्री पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एसोसिएट के अगर एंट्री करना चाहते हो, तो जनरली जो एसोसिएट्स होते हैं उनकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल से होती है, और इनका जो बहुत ज्यादा काम होता है वो रिसर्च का काम होता है, इनको बहुत ज्यादा रिसर्च करनी होती है। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जनरल कोर्सेज के बारे में अगर बताऊं, BMS, BBA, BBE या कोई और, अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स भी कर रहे हो तो भी आप कंसल्टेंसी के अंदर आपकी जॉब लग सकती है। इसके अलावा अगर आप इससे एक ऊंची पोजीशन के ऊपर जाना चाहते हो, दैट इज बेसिकली एनालिस्ट की पोजीशन, तो उनकी रिक्रूटमेंट जनरली MBA इन कंसल्टेंसी से होती है, या फिर अगर आपने एसोसिएट की जॉब के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो विद इन 2 to 3 years और 4 years आपको एनालिस्ट की पोजीशन के ऊपर भी आपको प्रमोट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं कि टाइप ऑफ कंसल्टेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये 6 टाइप के कंसल्टेंट्स होते हैं, और एक एक करके मैं इन सबके बारे में डिस्कस करूंगा, जैसे कि स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ऑपरेशंस कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट और IT कंसल्टेंट। तो एक एक करके देखते हैं इन सबका क्या क्या काम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं जॉब और करियर डोमेन्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले अगर मैं स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट के बारे में बात करूं कि स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट क्या होते हैं, फ्रेंड्स स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट्स वो होते हैं जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसल्टेंसी मार्केट के अंदर ये बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं, और ये फोकस करते हैं ऑन दी टॉपिक्स लाइक कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर और फंक्शनल स्ट्रेटेजी के ऊपर। उसके बाद अगर मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंट के बारे में बात करूं, तो मैनेजमेंट बेसिकली कंसल्टेंट कौन होते हैं, ये एक बेसिकली कलेक्टिव टर्म होती है यूज करने के लिए, जो सारी सर्विसेज को बेसिकली हेल्प करते हैं, बेसिकली स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट को, ऑपरेशंस को, कंसल्टिंग को, HR कंसल्टिंग को, तो इन सब के बेसिकली कलेक्टिव को हम मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कहते हैं, कि ये पूरे मैनेजमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, फॉर दैट रीजन मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट होता है उसको वास्ट मेजॉरिटी का बेसिकली फंक्शंस करने पड़ते हैं, और एडवाइजरी ब्रांच में ये होता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका काम होता है कि वो बेसिकली कैसे कंपनी को एडवाइस करते हैं कि उनको क्या क्या सॉल्यूशंस या क्या क्या प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी चाहिए या कैसे कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। अगर फ्रेंड्स मैं ऑपरेशन कंसल्टेंट्स के बारे में बात करूं, तो ये बेसिकली हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट को उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में उनके ऑपरेशंस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर वेरियस एडवाइजरी सर्विसेज होती है, जहां आपको हैंड्स ऑन इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट सिखाया जाता है प्राइमरी फंक्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन के अंदर, और सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर जैसे फाइनेंस, HR, सप्लाई चेन, ICT और लीगल, इन सब के अंदर बेसिकली आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस करना होता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसल्टेंट के बारे में बात करूं, तो इसके अंदर बहुत वेरीड करते हैं आपके रोल्स, फॉर एग्जांपल आपको मर्जर्स एंड एक्विजिशंस देखने होते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइजर होना होता है, रिस्क मैनेजमेंट देखना पड़ता है, टैक्सेशन देखना पड़ता है, रीस्ट्रक्चरिंग देखना पड़ता है, रियल एस्टेट के कंसल्टेंट हो सकते हो, इसके अलावा फॉरेंसिक रिसर्च एंड सपोर्ट डिस्प्यूट्स के अंदर भी आपको हो सकता है कंसल्टेंसी देनी पड़े। ठीक है, एडवाइस देनी पड़े अपने क्लाइंट्स को। उसके बाद अगर ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट के बारे में बात करूं, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको हेल्प करनी होती है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के अंदर, चेंज मैनेजमेंट के अंदर, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अंदर, टैलेंट मैनेजमेंट के अंदर और रिटायरमेंट के अंदर। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होता है किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स उसका ह्यूमन रिसोर्स होता है, बिकॉज कंपनी ह्यूमंस के थ्रू ही चल सकती है, अदरवाइज कंपनी अपने आप तो नहीं चल सकती। तो HR कंसल्टेंट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो HR कंसल्टेंट्स को लेके आया जाता है ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके बिजनेस कल्चर को। ठीक है, HR डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर सके और ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, प्रोसेसेस और सिस्टम्स, इन सबको भी चेंज कर सके। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट IT कंसल्टेंट्स के बारे में बात करूं, तो ये IT कंसल्टेंट्स IT एक्सपर्ट से डिफरेंट होते हैं। कंपनीज एक फुल टाइम IT एक्सपर्ट्स भी हायर करती है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स करते हैं, बट IT कंसल्टेंट्स का काम कुछ अलग होता है। इनको बेसिकली क्या करना होता है, इनको डिजिटल कंसल्टेंट्स भी कहा जाता है। ये हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट को विद द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद विद इन IT कंसल्टिंग जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट से है वो है डिजिटल एंड डेटा एनालिटिक्स, जिसको हम डेटा साइंस भी कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड
आईटी फॉरेंसिक्स। तो ये होता है बेसिकली आईटी कंसल्टेंट्स का काम, इस चीज के बारे में हेल्प करना और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर उनको असिस्ट करना। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन पूछूं, दैट इज बेसिकली कि यार अगर हम कंसल्टेंसी के अंदर जॉब करते हैं तो हमारी कितनी स्टार्टिंग सैलरी एंड प्लेसमेंट होती है, तो फ्रेंड्स इसमें अपर लिमिट कोई नहीं है। अपर लिमिट जैसे जैसे आप अपने करियर के अंदर राइज करते रहोगे तो अपर लिमिट कोई नहीं है, आपकी जितना आप चाहो उतना आप अर्न कर सकते हो। लेकिन अगर मैं एक रियलिस्टिक स्टार्टिंग सैलरी और प्लेसमेंट्स के बारे में बात करूं, अगर आपने किसी डिसेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है तो आपकी सैलरी जो लग सकती है वो 10 टू 12 लाख पर एनम की लग सकती है। और अगर आपने किसी ओके कॉलेज से अगर आपने अपनी एजुकेशन करी है तो आपकी जो सैलरी लगेगी वो 2 to 3 लाख की स्टार्टिंग लगेगी। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि यार जो प्लेसमेंट्स होती है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि आपके कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है, आपके कॉलेज में कितनी कंपनीज आ रही हैं, फास्ट रिक्रूटमेंट कैसी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और अगर आपने MBA या पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर अगर आप करने के बाद अगर कंसल्टेंसी की जॉब ले रहे हो तो उसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो 10 to 30 लाख के अंदर वेरी कर सकती है। डिपेंड करता है आपने कितने अच्छे कॉलेज से करा है, आप जितने अच्छे कॉलेज से करोगे उतनी आपकी मैक्सिमम जॉब लगेगी। अगर फ्रेंड्स मैं टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करूं जहां से आप MBA इन कंसल्टेंसी कर सकते हो, तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ कॉलेजेस की लिस्ट निकाली है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेन कॉलेजेस के बारे में बात करूं तो IIM, ABC, रोहतक, इंदौर, लखनऊ, कोझिकोड, शिलोंग, एक्सेलराइज, जमशेदपुर, FMS दिल्ली, NDI गुड़गांव, SP जैन मुंबई, SIBM पुणे, नारसी मुंजी, IMI दिल्ली, ये सारे के सारे कॉलेजेस बहुत ही अच्छे हैं अगर आप MBA के अंदर स्पेशलाइजेशन कंसल्टेंसी के अंदर करना चाहते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन जो मेजर कॉलेजेस हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वो ये वाले कॉलेजेस हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं टॉप कंसल्टेंसी कंपनीज के बारे में बात बताऊं कि कौन सी कंपनीज बेस्ट है, तो उसके अंदर एक्सेंचर, डिलॉयट, IBM, KPMG, PwC, आर्गन कंसल्टेंसी, AK किंड्री, बेन एंड कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है, EY बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स एक और मैकिंजी बहुत ज्यादा फेमस है, और जो सबसे ज्यादा फेमस है अपार्ट फ्रॉम दिस वो है BCG, दैट इज बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ठीक है। ये जो बेसिकली BCG है एक्सट्रीमली फेमस और टॉप कंपनी, बेसिकली इसको कंसल्टेंसी के लिए कहा जाता है। बॉस्टन और मैकिंजी एकदम आप कह सकते हो टॉप 2 कंपनीज है व्हेन इट कम्स टू कंसल्टेंसी। उसके अलावा भी ये जो सारी कंपनीज है ये बहुत ही अमेजिंग कंपनीज है, फॉर एग्जांपल KPMG, PwC, EY, तो इनका जो डोमेन है फ्रेंड्स वो अकाउंटिंग्स के अंदर भी बहुत अच्छा है और कंसल्टेंसी के अंदर भी बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल एफिशियो, LCP, केपगिनी, इन्वेंट, ब्रायन फैरिंगटन लिमिटेड, वेन डिजिटल, ये सारी की सारी कंपनीज कंसल्टेंसी के लिए अमेजिंग है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था कंसल्टेंसी के अंदर, बेसिकली आप कैसे करियर बना सकते हो या एज अ कंसल्टेंट आप कैसे रिक्रूट हो सकते हो, कंसल्टेंट आप कैसे बन सकते हो। आई होप ये वीडियो देख के आपको बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने कमेंट्स के अंदर अपने सजेशंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इसके अलावा प्लीज यार इंस्टाग्राम पेज जरूर फॉलो कर लेना, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।